हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज वीडियोस टॉपिक इज लाइक व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ SSW एग्ज़ाम, काइगो एग्ज़ाम, केयर गिवर एग्ज़ाम। सो जो आपका काइगो का एग्ज़ाम होता है वो टू पैटर्न्स में होता है, लाइक वन इज़ ऑफ इंग्लिश एंड वन इज़ ऑफ जैपनीज। टू एग्ज़ाम्स आपको उसमें देने पड़ते हैं तभी आपका टोटल होता है कि आप प्रोमेट्रिक SSW है वो पास है। सो फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑफ नर्सिंग केयर इवेल्युएशन टेस्ट, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। सेकेंड इज़ नर्सिंग केयर जैपनीज इवेल्युएशन स्किल टेस्ट, जो आपका जैपनीज लैंग्वेज में होता है। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो आपका इंग्लिश वाला टेस्ट होता है वो आपका 60 मिनट्स में आपको 45 questions कवर करने होते हैं। एंड वन थिंग इज़, मेन थिंग इज़ कि जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ जैपनीज। सो जैपनीज में आपको 30 मिनट टाइम मिलता है एंड उसमें आपको 15 questions कवर करने होते हैं, जो कि जैपनीज लैंग्वेज में होता है। सो जो आपका इंग्लिश का है, फर्स्ट थिंग इज़ सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। सो इंग्लिश की जो बुक होती है आपकी, जो बुक का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो इंग्लिश की बुक होती है हमारी, उसमें 4 parts होते हैं। 4 parts, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ बेसिस ऑफ नर्सिंग केयर, जिसमें आपको नर्सिंग केयर के क्या बेसिस मींस व्हाट इज़ नर्सिंग केयर एज, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सेकेंड चैप्टर आपका मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसमें आपको आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एंड आप किसी पर्सन को कैसे इंटरनली, आपको डिजीज़ के बारे में पता होगा तभी तो आप सेकेंड पर्सन को इंटरनली पता लगा सकते हो कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। सो हमारा थर्ड चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कि आप कैसे अपने पेशेंट से कम्युनिकेट करोगे। फोर्थ वन इज़ स्किल्स ऑफ बेसिक स्किल्स ऑफ नर्सिंग केयर। सो ये 4 parts होते हैं हमारे इंग्लिश वाले एग्ज़ाम में, ये 4 parts में से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में अराइज़ होता है। सो क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, जो एग्ज़ाम आता है उसमें ये सब कैलकुलेटेड होता है कि किस पार्ट में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप अच्छे से माइंड सेट करके एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं एंड इसी टेक्निक को साथ लेके आप अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया है बेसिस ऑफ नर्सिंग केयर, वो आपके 10 questions कवर करता है इस एक पार्ट में। 4 parts हैं इसमें, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपके 3 chapters हैं, थर्ड पार्ट में वही आपके 3 chapters हैं, एंड फोर्थ पार्ट में ऑल्सो आपके 6 chapters हैं। सो ऐसे उसमें चैप्टर्स हैं। सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 questions कवर करता है, उसके बाद सेकेंड पार्ट है वो आपका 4 questions कवर करता है, थर्ड पार्ट इज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो आपका 6 questions कवर करता है, एंड फोर्थ पार्ट आपका बेसिक स्किल ऑफ नर्सिंग केयर जो कि आपका 20 questions कवर करता है। मींस जो आपका फोर्थ पार्ट है, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ नर्सिंग केयर, आप किसी पर्सन को कैसे वॉकिंग, ट्रांसफरिंग, इन सब चीज़ में हेल्प प्रोवाइड करोगे, तो ये सब कुछ आता है फोर्थ पार्ट में। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 20 questions आते हैं। एंड वन इज़ 5 questions आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप से प्रैक्टिकली आपकी लाइफ के बिहाफ पे या कुछ भी डिफरेंट पूछे जाते हैं, जो कि आउट ऑफ बुक होते हैं। सो ये टोटल हो जाते हैं 45 questions। ये आता है आपका इंग्लिश वाले पार्ट में, उसके बाद आता है आपका जैपनीज़ वाले पार्ट में। जैपनीज़ वाले पार्ट में आपका कोतोबास होता है, जो कि आपको लर्न करना होता है। एंड वन इज़ लाइक जो कन्वर्सेशन पार्ट होता है, उसमें कन्वर्सेशन होता है, पूरा रीडिंग होता है, एंड उसके बाद उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सो इसमें क्या होता है, जैपनीज वाले पार्ट में जो आपकी कोतोबास होती है, जो वर्ड मीनिंग आपकी होती है, उसमें 5 questions आते हैं, उनमें से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। एंड जो आपके कन्वर्सेशन पार्ट में आते हैं, 5 to 6 questions आपका कन्वर्सेशन पार्ट अटेन करता है, एंड उसके बाद उसी में से सारे कन्वर्सेशन में ही आते हैं, उसमें से कुछ उसका होता है कि कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स में से भी कुछ 5 questions आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपकी बुक से बिल्कुल रिलेटेड ही आते हैं, आपकी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता है।
एंड अगर बुक से बाहर आता है तो उसमें आपकी बेसिक्स बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ें पूछी जाती है, बहुत इजी पेपर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश वाले एग्जाम में आपको 45 क्वेश्चंस कवर करने हैं 60 मिनट्स में. मींस आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे. ओके एंड जो आपका जापानीज़ वाला एग्जाम है, क्योंकि उसमें कन्वर्सेशन रीडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से आपको 1 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स मिलती है. सो डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है. एंड सभी मेहनत कीजिए और पास कीजिए और जापान के रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं. सो गांबात्ते कुदासाई. प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम आप कैसे फिल करोगे, उसके लिए हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो. आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे प्रोमेट्रिक आईडी बना सकते हैं एंड उसके बिहाफ पे आप कैसे अपना काइगो का जो एग्ज़ाम है उसको फिल कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. एंड तब तक के लिए बाय बाय.